हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे, नमस्ते, शास्त्रीय अकाल, वनक्कम। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का व्लॉग तो पता नहीं कौन सा है, बट आज एक नई जगह, नई लोकेशन पे जाने वाले हैं। तो आपको मिलते हैं फिर वो लोकेशन पे। नए लोकेशन, नए ट्रैक तो होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट देखेंगे आगे क्या होता है। फाइनली ये कुछ लोकेशन है, उमरे डोंगर गांव हुई। तो यहाँ से अभी हमें लेना है लेफ्ट, शायद डोंगर गांव जाना होगा, मुझे पता नहीं। तो अभी लोकेशन के लिए आगे जाके उधर आगे जाके लेफ्ट कर लेना है। तो वहाँ से फायनली मित्रांनो, ज्या लोकेशनवर आपण आलेला आहोत त्या लोकेशनचं नाव आहे अंबोरा। इथे महादेवाची पिंड आहे, तर बघूया आता त्या पिंडाचं दर्शन वगैरे करूया, मंदिरात वगैरे जाऊया। माझ्या मागे तुम्ही बघून राहिले असेल, हा एक पूल आहे जो की याचं कन्स्ट्रक्शन, अंडर कन्स्ट्रक्शनमध्ये चालू आहे, तो ओपन व्हायचा आहे। तर तो कधी ओपन होणार ते काही माहिती नाही आपल्याला। तुम्हाला एक सुंदरसा असा पुढे, माझ्यासमोर एक पुढे पहाड आहे, तो तुम्हाला दाखवतो, तुम्ही व्ह्यू एन्जॉय करा मस्तपैकी। हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे देख सकते हो ये सुंदर सा ब्रिज है, रामझुला पार्ट टू, जो कि नागपुर में एक रामझुला है जो रेलवे स्टेशन का जवळ है। आणि परत आ एक इथं आहे, याचं नाव तर नाही माहिती। तो हेलो गाइज, आप ये ब्यूटीफुल सा व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो ये है यहाँ का पुल, ये अमोरा में स्थित है। तो यहाँ पे शायद ये जो बीच में ये जो फ्रेम जैसा कुछ तो भी दिख रहा है, तो वहाँ पे इन फ्यूचर जो ये फ्रेम दिख रहा है, तो वहाँ पे आप ऊपर जा सकते हो। अब ये पुल का उद्घाटन कब होता है कब नहीं वो तो पता नहीं, बट जब कभी भी होगा, पॉसिबल हुआ तो हम दिखाने का ट्राई करेंगे। तो ये ब्यूटीफुल सा व्यू है, और उसके ही बगल में आपको दिख सकता है वो एक मंदिर है, पता नहीं कौन से भगवान जी का मंदिर है, यहीं से ही नमस्कार करते हैं। शायद ये जो पुल बन रहा है, तो मेरे हिसाब से वहाँ से उधर से टनल बनने वाला है, कंफर्म तो पता नहीं बट हो सकता है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो बोट वगैरह है, तो आपको यहाँ से ये मंदिर जाना हो तो आप बाय बोट से जा सकते हो, उसका चार्जेस तो कुछ पता है नहीं। यहाँ पे हमारी सेना
बंदर सेना, लंगूर सेना। तो गाइज यहाँ से आने के लिए, अंदर आने के लिए रास्ता है, और रास्ते में आते हुए यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप फोटो वगैरह निकाल सकते हो, फोटो शूट। यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है, इधर साइड भी जगह है, तो इधर बढ़िया फोटो शूट चालू है। तो अभी हमें जाना है अंदर भगवान जी। तो हेलो गाइज, आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे जूते चप्पल रखने का स्टैंड है, इधर साइड में मंदिर है, और फिर आप शौचालय या फिर हाथ पाँव मुँह वगैरह धोना हो तो यहाँ पे पानी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो मिलते हैं अपन आगे दर्शन। हेलो गाइज, ये तीर्थ क्षेत्र का मेन मोटिव ये है, यहाँ पे पांच नदियों का संगम है, कोलारी, आम नदी, कनन नदी, वैनगंगा, मुरजा, ऐसे इन पांच नदियों को मिला के एक नदी मिलती है, वो पंचगंगा संगम नाम से पहचान जाता है। तो यहाँ पे मेन जो भगवान, यानी जो भगवान जी प्रकट हुए, वो तीर्थ स्थल का नाम है चैतन्यश्वर मंदिर, जो कि महादेव के रूप में प्रस्थापित है। यहाँ पे एक ग्रंथ लिखा गया था, विवेक सिंधु जी महाराज थे, उन्होंने लिखा था 1110 में शायद, अब तो हम तो तब। चैतन्यश्वर महाराज का मंदिर, वो ये यानी जो पिंडी का नाम है वो चैतन्यश्वर नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो ये पिंडी का उगम, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे उसका, वो तो अंदाजा नहीं है मुझे, उतना कुछ पता है नहीं। तो यहाँ पे ये पिंडी का जो उगम हुआ है, वो एक महाराज थे, तो उन्होंने 12 साल यहाँ पे तपस्या की है, तो उसके बाद ये पिंडी, जागृत पिंडी यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो जमीन में से निकलते हैं वैसा, उस टाइप में कुछ तो भी यहाँ पे चैतन्यश्वर महाराज महाराज का, भगवान शिव जी को क्या बोलेंगे, भगवान शिव जी को भगवान शिव जी के रूप में वो पिंडी यहाँ पे उपस्थित है अभी भी। तो और यहाँ पे उसी के साथ यहाँ पे पांच नदियों का संगम भी है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ से आने का रास्ता है बढ़िया, इधर से एक नदी आने वाली है, एक नदी हो गई शायद ये वैनगंगा नदी है, फिर उसके बाद इधर एक है कनान नदी, और यहाँ से फिर उधर साइड जाके पता। तो बाकियों की तीन नदी जो है वो इधर से आने वाली है, एक यहाँ से है, ये पहाड़ी एरिया दिख रहा है, उसके पीछे से एक नदी आने वाली है, और जैसा कि आप देख सकते हो एक नदी इधर से आ रही है, और लास्ट में जो दो नदियाँ है वो इधर साइड से आती है, वो दोनों नदियों मिला के एक नदी, वो संगम थोड़ा दूर है बट वो दोनों नदियाँ मिला के एक इधर से आती है और फिर वो उधर साइड में जाती है। तो फाइनली गाइज आप देख सकते हो कि ये मंदिर का पीछे साइड का हिस्सा है, तो ये मंदिर जो है ये पूर्वमुखी मंदिर है, तो पूर्व साइड की ओर से अपने को पिंडी का दर्शन हुआ है, और साथ ही इधर से सूर्य अस्त होता है, यानी दिन ढलता है तो सूर्य इधर से है। चैतन्यश्वर मंदिर, हरिनाथ जी यांचा ठिकाणी 12 वर्षाचे घोर अनुष्ठान पूर्ण करून शंकरास प्रसन्न केले। अनुष्ठानाचे शेवट शेवटी त्यांनी फार मोठा यज्ञ केला, व यात यज्ञातून स्वयंभू प्रकट झाले। शिवपिंड म्हणजे चैतन्यश्वर होय। प्रत्यक्ष शिवशंकर व हरिनाथ अलिंगनाचे हेच ते स्थळ आहे। शंकराने आपले शांभवी तेज याच ठिकाणी हरिनाथांच्या मुखात संक्रमित केले। यज्ञ चिंतेतून प्रकटलेले स्वयंभू शिवशंकर चैतन्येश्वर रूपात येथे वास करतात। आजही यास आभास येथे अनुभवास येतो। अंबुरा येथील हे मंदिर संपूर्ण भारतात एकमेव अशी शक्तीपीठ आहे। यहाँ पे हरिनाथ महाराज जी जो थे, उन्होंने 12 साल तपस्या की थी, तो यहाँ पे उनकी जीवंत समाधि है, जीवित समाधि, उन्होंने यहाँ पे जीवित समाधि ली थी, जो कि शंकर जी को प्रकट करने के लिए उन्होंने 12 साल जो तपस्या की थी, शायद तपस्या होने के बाद उन्होंने यहीं पर ही समाधि ले ली है, तो वो ये मंदिर के अंदर उनकी उनकी समाधि है। ये स्लोगन दिख रहा है, चोरा पासून वो खिसे कापणाऱ्या पासून सावधान, तो ये स्लोगन बहुत ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि ऐसी जगहों पे ऐसी दुर्घटना हो सकती है।
दुर्गा देवी, गणपति, शिवजी, रंगलाल, महाराज मंदिर। तो अभी हम यहाँ पे जाने वाले हैं। ये बजाई घंटी। बात को भी शांत वातावरण लगा जो कि मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे इतना क्लीन है तो ये देख के भी मुझे अच्छा लगा कि इस बार यहाँ पे कुछ गंदगी देखने को मिली नहीं, तो अच्छा है। गाइस अभी हम आए कच्चा चूड़ा खाने के लिए। तो यहाँ पे दे रहे, इसको बोलते पिंगर पोंगा नड्डा और क्या क्या बोलते पता नहीं, टमाटर, प्याज, नींबू, ये फुटाना पोहा। आजी है क्या है? तो ये तीखी चटनी है और ये पाले भाजी, सांभार, कांदा। ये बनाएंगे कच्चा चूड़ा। तो अभी हम कच्चा चूड़ा खाने वाले उसके ही पीछे। अजी जब आगे कुटला मंदिर है, कौन तो मंदिर है बागचा? कौन सा हे हे मंदिर? हे हे तो तुम जमा बामना मंदिर है। बामना जावेगा? बामना चा नाव का तो होता नागपुर मंदिर आहे। तो बामना मेंढ्यार काम राहिया मेंढ्यार का बामन होय। तो मेंढ्याचा बामन, हा मेंढ्यार मेंढा आहे, ती गाव आहे। मेंढार मेंढा गाव आहे, त्याचा होय तो नागपूर राहते। अच्छा, त्याचा महत्व हे आवे देऊ। हे जे अंबोरा मंदिर आहे, हे किती जुनं मंदिर आहे जी? अंबोरा मंदिर आहे, किती जुनं मंदिर आहे? चेतनेश्वर जुना महाराज मंदिर होय तो ओदरचा। किती जुनं मंदिर आहे? तर तरी कधी जाता आहे? 10-20 वर्ष झाली। 10-20 वर्ष? 25 वर्ष झाली, जास्त झाली असेल। शिवाय झाली तेव्हा तर आजीबाई पण म्हणता अगोदरचा मंदिर आहे तो। आजी बोलत आहे बढिया कच्चा चूडा, अभी हम थोड़ी देर में कच्चा चूडा खाने वाले। आजी किती रुपये प्लेट दिला? 10 रुपये। काय 10 रुपये प्लेट? किती एकच पाणी बनव का जी? 50 चा करून द्या ना। करून हो दाजी, पिंग टाकून देतो। यहाँ पे बढ़िया कच्चा चूड़ा की सामग्री रेडी हो रही है। मी तुम्हारा ओळख तो जी, ओळख लगा नाही है, मजाक नाही। आमचे काही ओळखीचे लोक राहते ना, तुम्ही आता तुम्ही सांगते काय तर आपण हा ओम करून लागतो। काय काय इंसिडेंट राहते तर आठवतो बंद करतो म्हणलं। आता एक कटाय कुटाय नेतो म्हणलं। तर मग हे सामान कुठे ठेवता तो तुम्ही? मंदिर मध्ये। मंदिर मध्येच? मंदिर तो अभी ये गंज में डल चुका है। चूड़ा लाई क्या क्या टाकता माहिती नाही। लोकच मारे जी चूड़ा ना इकला जो उसड़ो या अच्छा तो उसड़ ओ ये तीन नाही का तो हो उदे ये तीन जास्ती तिखट नको बनवा, नाही मीडियम बनवा, मीडियम। इथून घरापर्यंत जायचं आहे। वर्षापासून लागत आहे तिथे। सकाळी किती वाजता चालू करतो? 10 वाजता इथून। 10 वाजता हमारा कच्चा चूड़ा में सो रहा है। इतका मोटा चूड़ा संपणार आहे का? सहा लागते हा, टेस्ट लागते हा चूड़ा। आजी थोडस हे टाका ना, हे टाका ना, थोडं टाकलं ना उसळ, अजून टाका ना थोडस। आजी तुम्ही टाकत नाही, तिकट टाकत होता। तिकट काय करू तो आता येईन मजा। काय मजा येईल? हा बापा बापा मजा येईल म्हणते।
तिखट पाहिजे। ये बन गया हमारा 50 रुपए का कच्चा चूड़ा। तो फाइनली गाइस अभी हमारा जाने का टाइम हो चुका है, इवनिंग के 6 बजने वाले अभी। तो यहाँ पे दर्शन वगैरह हो चुका है, नाश्ते में हमने कच्चा चूड़ा खाया था जो कि 1 नंबर था, वो भी खा लिए। तो कच्चा चूड़ा, तो हेलो गाइस, तो आपको यहाँ अम्बोरा तीर्थ क्षेत्र पे आना हो तो आप यहाँ पे ST से भी आ सकते हो, बाय कार, बाय बाइक, बाय बस से भी आ सकते हो। और आप यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें खाने का, तो आप ये भी एंजॉय कर सकते हो। ये हमारी धन्नो, तो हम धन्नो से आए थे, तो धन्नो का टायर तो फिलहाल ठीक है, अभी पता नहीं, अभी घर जाना है। धन्नो अपनी साथ देती है नहीं देती है देखेंगे। तो यहाँ पे निकल रहा है गन्ने का रस, जो कि रेडी हो चुका है, तो अभी थोड़ी देर में गन्ने का रस पीने वाले है। तो हेलो गाइज, यहाँ पे अपना वीडियो का एंड करते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।